भाई रवि ने बहुत अच्छा सुनाया। कैसे एक भजन में भाई कवि ने बताया कि सारी बात कर्मों की है। आज हम अगर खुश हैं, अगर दुखी हैं, सब माया के पीछे के कर्मों का फल है। एक वचन में क्या दर्शाया कवि ने, क्या yeah।
साथ हमका सत्संग भाई बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि इन बातों के गाने वाले भी कम हैं और सुनने वाले भी कम हैं। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही घटित होता है। आज ऐसे ऐसे गाने चले हुए हैं, फिर बाप बेटा बैठ के साथ नहीं सुन सकते, भाई भाई बैठ के साथ नहीं सुन सकते। लोगों जमाना क्या गया थोड़े दिन पहले, देखो दिमाग का संतुलन है। आपने सुना रोका खत्ता कांड कि एक 19 साल के लड़के ने अपने माँ बाप बहन और नानी को गोलियों से भून दिया। थोड़े दिन पहले की घटना, एक माँ ने अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे का कत्ल करके और लोगों घर के आंगन में दबा के ऊपर कटाई लगवा दी। 6-7 महीने बाद सच्चाई सामने आई, अपना जुर्म कबूल किया। ये कैसे घटित है, ये गंदा गाना या छोटी सोच की वजह से? पता ना बता कि भाई ये एक रागनी नहीं, एक कड़ी भी सुनकर अगर कोई इंसान अमल करे जिंदगी पार कर सकती है। नंबर 2 पे एक ऐसी औरत का उदाहरण दिया कि भाई जिसके 5 पति थे वो भी कर्मों के कारण, कौन थी डॉक्टर। सोचा
कि अगर ऋषि को बाहर सुला दिया, कोई हिंसक जीव आकर खा गया, बहुत बड़ा पाप लगेगा। ऋषि को अंदर सुला दिया, हील और बुद्धि बाहर। पांच बजे तक भील सोवे भीलनी जाके, एक बजे के बाद भीलनी ने भील को जगा दिया, खुद सो जाती है। लोगों दो बजे का टाइम, सामने से शेर आ जाता है। भाई भील ने सोची अगर आग तलक भी कर दी और ऋषि की नींद छूट गई, भाई पाप लगेगा। लोगों बताते हैं जब तक हो सका उस शेर का सामना किया, लेकिन शेर तो शेर था, थोड़ी देर बाद में भील को मार देता है। भीलनी की आंखें खुलती हैं, जोर जोर से विलाप करती है, उधर से ऋषि की नींद छूटती है। बाहर आकर देखा कि वह भील मरे अपना भीलनी रोए। भीलनी हाथ जोड़ती है ऋषि के आगे कि महाराज हमारी कोई संतान नहीं, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, आप इस पिता को अग्नि दे दीजिए। उस पिता को अग्नि दे कहे ऋषि उसी दिन से तपस्या में वही बैठ जाता है। सालों बीते, अरसों बीते, आखिर में भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोला कि बोल ऋषि क्या मांगना चाहता है। ऋषि कहता महाराज अपने लिए कुछ नहीं, मेरी वजह से यहाँ एक भील और भीलनी मरे थे, मैं चाहता हूँ अगले जन्म में वो किसी राजा के घर पैदा हो। लोगों वो भील के बना, वह भीलनी के बनी और ऋषि के बना, नंबर तीन पे क्या दिखा कर। देख के
नियत में फर्क आ गया। इंद्राणी से शादी करने की बात तक सोच लेता है। इंद्राणी ने सोचा कि भाई अगर इसके मन में गलत विचार आया और तेरे पास आया तो इसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। उसको एक सलाह देती है कि मैं तेरे से शादी कर लूंगी, आप मृत्युलोक में जाइए, सात ऋषियों को गाड़ी के अंदर जोड़ के लात गुस्से मारते हुए मेरे पास तक ले गई है, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। इंद्राणी ने कहा तो इसलिए कि समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसको मैं इतना पागल मृत्युलोक में आके सात ऋषियों को गाड़ी में जोड़ के लात गुस्से मारता हुआ इंद्राणी तक लेके जाता है। लोग उसके साथ क्या बना कोई था, क्या था?